माने कहा याको नहीं कुछ सोच ही पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे, मुझे इसकी चिंता नहीं कौन क्या कहेगा। कह कही कौन न कछु अपराध लिखे विधि अंक न टारे टरेंगे। और बिंदु यही एक सांसती है कछु और अनर्थ के वज्र परेंगे। लाल तिहारे सिधारत ही महिपाल हो मोहि अनाथ करेंगे। तुम्हारे जाते ही राम तुम गेह छोड़ दोगे तो महाराज देह छोड़ देंगे। राम जी ने समझाया माता को, लौट कर आए। अरे तब तक जानकी माता आ गई। श्री राम जी से कौशल्या जी ने कहा, अच्छा श्री सीता जी बैठी कैसे हैं? नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, चारु चरण नख लेखती धरनी। नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, अपने चरणों से मानो धरती पर कुछ लिख रही हूं तो नूपुर बजे, और मानो नूपुर इसलिए श्री जानकी जी कहती हैं मन ही मन के प्रभु इन नूपुरों की आवाज सुनकर आपने पुष्पवाटिका में मेरी ओर ध्यान दिया था, आज इन्हीं नूपुरों की आवाज सुनकर क्या वन जाते समय मेरा ध्यान नहीं रखा जाए। श्री जानकी जी की यह दशा देखकर कौशल्या माता ने कहा कि श्री सीता जी बन के योग्य नहीं, डावर योग की हंस कुमारी, बन के योग्य कहीं हंस कुमारी होती। राम जी ने भी कहा जानकी जी हंस गवनी तुम नहीं बन योग। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप मैं हंस कुमारी हूं यह आपने कैसे जाना? मेरी माताजी ने कहा कि आप हंस कुमारी हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु जब आप धनुष तोड़ने जनकपुर में जा रहे थे तो मेरी माताजी ने भी कुछ कहा था। क्या उन्होंने कहा था सोधनु राज कुंवर कर दे ही बाल मराल की मंदर ले ही। तो मेरी माताजी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। अगर आपकी माताजी की दृष्टि में मैं हंस कुमारी हूं तो मेरी माताजी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। तो जब हंस कुमार बन के योग्य है तो हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं? और माता ने आज्ञा नहीं दी। श्री राम जी ने कहा, श्री जानकी जी ने कहा कि माता ने भी आज्ञा दी है, कह तापस ती कानन जोगो, तपस्वियों की देवियां बन के योग्य होती हैं और प्रभु आप राजकुमार नहीं, तापस वेश विशेष उदासी। साथ तो चलूंगी, पूज्यपाद पिता की प्रतिज्ञा तो रहेगी नहीं, होगा हासनाथ इतिहास कह जाएगा, राम के बिना सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे रहे, वनवास राम का अधूरा रह जाएगा। की तन प्राण की केवल प्राणा। भगवान ने कहा ठीक है ठीक, चलो चलो। उसी समय लक्ष्मण जी को समाचार मिला। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार
उठी धाए समाचार जब नचे मन पाए समाचार जब नचे लाचे समाचार मिले लक्ष्मण जी को, उसी समय गए सीताराम जी के चरणों में प्रणाम किया, देख रहे हैं नैन प्रेम जल से भरे हैं, पर लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। कही न सकत कजु चितवत ठाणे, दीन मीन जनु जल ते काढ़े। जल अगर जाने लगे तो सभी जल जंतु इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बेचारी मछली कहाँ जाए, न कुछ कह सकती है और जल के बिना रह भी नहीं सकती। भगवान ने कहा लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने कहा किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना। आप क्या कहते हैं? मोसन काह कहव रघुनाथा, रखिए ही भवन की लई है साथा। भगवान ने कहा कि भरत भवन भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। घर में भरत जी नहीं, शत्रुघ्न जी नहीं है, पिताजी वृद्ध है, मेरा दुख है। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए अयोध्या का राज्यभार संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं शिशु, मैं तो छोटा सा बालक हूं, प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर ले ही कि बाल मराला। क्या पर्वत मंदराचल पर्वत का भार हंस कुमार उठाएगा? भगवान ने कहा लक्ष्मण ये शिशु कब से बन गए? लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? मैंने कब बनाया? जनकपुर में जब परशुराम जी मुझे फरसा दिखा रहे थे तब आपने ही कहा था नाथ करहु बालक पर छोहु, ये बालक है इस पर दया कर। परशुराम जी बोले ये बालक कितना छोटा बालक। राम जी बोले सूद दूध मुख, ये शुद्ध दूध दुधुआ बच्चा है। उस दुधुए बच्चे से आज कह रहे हो कि राज्य का भार उठा? राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात तुमने भी जनकपुर में कही थी, वो मुझे याद है। क्या तुमने ही कहा था जो राउर अनुशासन पावो कंदु के वो ब्रह्मांड उठावो। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लें। आज हम ही आज्ञा दे रहे हैं कि राज्य का भार उठा लो तो कहते नहीं बनेगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यह बात मैंने पहले कही थी, शिशु आपने बाद में बनाया। और फिर प्रभु मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकता था, आप साथ में थे। पंखा कहे कि मैं हवा दे सकता हूं, ट्यूबलाइट कहे कि मैं उजाला दे सकता हूं, और बिजली कहे कि मैं जा रहा हूं, बिजली कहे कि मैं जा रही हूं, क्या करे ट्यूबलाइट क्या करे पंखा? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं अगर आप साथ रहे, अगर आप ही दूर जा रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं। राम जी ने कहा अच्छा लक्ष्मण सेवा तो कर सकते हो? हाँ ठीक है। अब लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए कि सेवा के लिए हमें ले जाया जा रहा है, पर राम जी बोले यहीं रहकर गुरु जी की पिताजी की माताजी की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने सोचा फिर अटक गए, पर लक्ष्मण जी ने बड़ी अच्छी बात कही, गुरु पितु मातु न जानो काहू, 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 कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू।
दयाओ। मैं गुरुजी पिताजी माताजी किसी को नहीं जानता। अच्छा, कई बार बिना सोचे समझे बहुत लोग कठिनाई अपने जीवन में उत्पन्न कर लेते हैं। एक सज्जन कहने लगे, हम तो फिर लक्ष्मण हैं, न गुरुजी को माने, न पिताजी को माने, न माताजी को, बस भगवान लक्ष्मण है। ये थोड़ी थोड़ी बात में लोग अपने को लक्ष्मण कहने लगते हैं। एक आदमी को बड़ा गुस्सा था, तो ये नहीं कहता कि मुझे क्रोध आ रहा, फिर हम लक्ष्मण हैं। अरे बिल्कुल दुबला पतला है, नस नाड़ियां सब दिखती हैं, और क्रोध में बहुत जोर से कांपे, हम लक्ष्मण हैं। अरे हम के जाने दे, ऐसे ही होते तेरे जैसे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को क्रोध आता तो धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। श्री लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते, पिताजी को नहीं मानते, माता जी को नहीं मानते। नहीं मानना अपराध है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते न जानो काहू, नहीं जानना अज्ञान है और नहीं मानना अपराध है। भगवान ने कहा अच्छा, किसे जानते हो? आपको। वाह वाह, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। एक काम करो, माता जी से आज्ञा ले आओ, फिर मेरे साथ बन चलो। और लक्ष्मण जी आज्ञा लेने चले गए। राम जी मुस्कुराए, श्री सिया जी से कहा कि अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, और कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ, तो लेने चले गए। इसका अर्थ है कि जानते हैं, नहीं जानते होते तो जाते कहां आज्ञा ले। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी आ जाए, उन्हीं से पूछ लेना। लक्ष्मण जी गए, माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उदास देखा, क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले, मां भगवान श्री सीताराम वन को जा रहे हैं, मैंने भी प्रार्थना की कि मुझे साथ ले चलो, तो कहने लगे कि यहीं रहकर गुरु जी पिताजी माता जी की सेवा करो। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, तो उन्होंने कहा माता जी से आज्ञा ले आओ, आज्ञा लेने आया। सुमित्रा जी मुस्कुराई, लक्ष्मण जब वहां कही आयो कि मैं किसी को नहीं जानता, तो यहां किससे आज्ञा लेने आयो? हां मां, यह तो भूल हुई, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? लक्ष्मण, तुम्हें मेरे पास आना भी नहीं पड़ता और प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी माता कौन है। कौन है मेरी मां? सुमित्रा जी ने कहा, तात तुम्हारी मां तु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता वैदेही हैं, पिता श्री राम जी हैं। और लक्ष्मण, इतनी बड़ी भूल कर रहे हो, वैदेही के पिता, वैदेही तुम्हारी माता हैं, और वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। अगर देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा मिलेगा नहीं, और वैदेही के बेटे बन गए तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा। लक्ष्मण, आज मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं, आज मैं कह सकती हूं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सित होई। लक्ष्मण जी बोले, मां अभी तो आप कह रही थी कि मेरी माता श्री वैदेही जी हैं, जानकी जी हैं, अब आप कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई, तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि मेरी मां कौन है। वैदेही जी मेरी मां है, आप मेरी मां है? सुमित्रा जी ने बड़ी सुंदर बात कही, लक्ष्मण जैसे किसी के यहां दूध खरीदने वाला आए, ग्वाला किसी कार्य में व्यस्त हो, वो अपने बेटे से कहे बेटा इनसे पैसा ले लो, दूध दे दो। अब दूध लोटे में रखा, बाल्टी में रखा, तो ग्वाले का बेटा कहता, पिताजी इन्हें बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का? अब आप बताओ भला, दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध ना बाल्टी का है ना लोटे का, दूध तो गौ माता का है।
पर बाल्टी का दूध इसलिए बाल्टी में रखा है, लोटे में रखा है। सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण जैसे दूध गौ माता का है, पर बाल्टी लोटे में रखने से बाल्टी लोटे का नाम उसके साथ जुड़ जाता है, इसी तरह पुत्र तो तुम वैदेही के ही हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। बोली माँ सुमित्रा, सुनो लाडले लखनलाल, तुमसे तो मेरा बस देह का ही नाता है, जैसे जिस पात्र में रखते राजेश, वस्तु वस्तु संग पात्र का भी नाता जुड़ जाता है, वस्तु संग पात्र का भी नाम जुड़ जाता है। करना मत याद मुझे, मेरी सौगंध तुझे। कहते हुए माता का हृदय भर आता है, जाओ बन सेवा का सद्भाव लिए, अपने मन जानना श्री राम पिता जानकी जी माता है। लक्ष्मण एक बात और है, क्यों जा रहे हैं राम जी वन? बस लक्ष्मण जी की बहुत टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, सब कह के माता के कारण हुआ है, उन्हीं की वजह से। सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण यह बात नहीं है, मुझे पता है असली कारण तो मैं जानती हूं, कैकेयी जी के कारण राम जी वन को नहीं जा रहे। फिर सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य से राम जी वन को जाना है, तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए। तो कैकेयी माता, नहीं नहीं, दूसरे हेतु तात कछु नहीं। कितना अद्भुत है, परिस्थिति के अनुसार मन को बना लेना, मन में कोई असद भावना ना आए किसी के प्रति। और सुनो, ये कामादिक विकारों के वश में मत होना, राग रोष ईर्षा मद मोह जन स्वप्न हो इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मां जागृत अवस्था में तो मन को संभाले रहूंगा, पर सपने में तो मन ही मालिक होता है, सपने में मन को कैसे संभालूंगा। मैया बोली, कसौटी तो स्वप्न ही है। लक्ष्मण जी बोले, माता स्वप्न में भी ये विकार मेरे मन में नहीं आएंगे, तो इतना सरल कैसे मान लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जब तक मैं श्री राम जी की सेवा में रहूंगा, कभी सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो विकार कैसे आएंगे। माँ ने हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया और कहा, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत, दे देना भले ही पीठ लेकिन दे देना भले ही प्राण, दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। आशीर्वाद दिया, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो, लौट कर आए। राम जी पूछ रहे थे, क्यों माता जी से आज्ञा ले आए? लक्ष्मण जी ने सोचा, पहली भूल तो हो ही गई, दूसरी काहे करें, कहा कि हम माता जी से आज्ञा लेने गए ही नहीं थे। फिर कहां गए थे? प्रभु जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं किसी को नहीं जानता, तो आपने कहां भेजा था? जहां भेजा था वहीं गए थे। अरे तो कुछ तो बताओ, आपने कहा कि माता जी से आज्ञा लिया, और मैं कह चुका था गुरु पितु मातु न जानो काहो, तो माता जी से आज्ञा लेने नहीं गया था, अभी तो ये पता लगाने गया था कि मेरी माता कौन है, आज्ञा तो अब लूंगा। और ऐसा कह के जानकी माता के चरणों में लक्ष्मण जी ने सिर रखा। जानकी माता अभी कह रही थी कि लक्ष्मण मेरे साथ हैं, धनुर्धर प्रतापी वीर देवर, और राम जी से कह रही थी कि आप वन के दुख मुझे बता रहे हैं, कोप रोध संग मोहि चितवन हारा, और रास्ता बता रहे हैं, रास्ता देखना किसे, मैं तो आपके चरणों को देखूंगी, और लक्ष्मण जैसे वीर प्रतापी देवर और आप जैसे पति, मैंने किसी ऐसे वैसे के गले में जयमाला नहीं डाली, को प्रभु संग मोहि चितवन हारा।
एक आदमी का विवाह हुआ, बारात लौट कर आई, जून का महीना, दोपहर के 12 बजे, और दूल्हा आकर माँ से बोला, माँ, माँ ने कहा क्या है, नहाना है, नहा ले, गर्म पानी कर दो, जून के महीने में दोपहर को 12 बजे गर्म पानी। उसकी पत्नी ने सुना तो अपनी चूड़ियां फोड़ने लगी, उसकी सास बोली, कुलच्छनी ये क्या कर रही है, बहू बोली, माता जी मैंने सोचा जो कल करना है वो आज ही करे, जिनका जून में ये हाल है ये जनवरी में बचेंगे, हमारे गुरुदेव कहते थे तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो जानकी माता ने कहा कि अब वात्सल्य हो गया मेरा इनके प्रति। सुमित्रा मैया ने कह दिया तात तुम्हारी मात वैदे, और तीनों मूर्तियां कई कई माता के सामने उपस्थित हुई, वनवासी वेश धारण किया, और जब राम जी चलने लगे महाराज दशरथ को प्रणाम किया। महाराज श्री दशरथ राम जी को देखकर रोने लगे। राम जी से कहा, राम मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर अपना मुख चंद्र देख लेने दो, मोकों विधु बदन बिलोकन दीजे, रघुवर मेरी यह भेंट बलि, मेरी आपकी यही भेंट है। महाराज दशरथ राम जी को हृदय से लगाते हैं, और राम जी भी पिताजी से लिपट जाते हैं, और मिलकर जब अलग हुए, श्री तुलसीदास जी ने इतनी अद्भुत उपमा दी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि आज भी धरती पर जगह जगह धरती में दरार पड़ जाती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि धरती को उस अवसर की याद आ जाती होगी। अजहू मही फाटत दरार मिस, सो अवसर सुधी कीन है। महाराज मूर्छित हो गए। श्री सीताराम लक्ष्मण चल पड़े। ऐसा दृश्य हाहाकार मच गया अयोध्या में। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। दशरथ जी ने कहा कि सुमंत जाओ जाओ उन्हें रथ में बिठाओ। रथ में बिठा के प्रभु को चल तो दिए सुमंत। रथ में बिठा के प्रभु को चल तो दिए सुमंत। हो जो रास रोष जो हे मचल पड़े। सीता देश धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश धर के
भगवान चल पड़े। सभी के आंखों में आंसू, उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी, जीव बिना किया जियो जासी। उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी, जीव बिना किया जियो जासी। ओ जीव बिना किया किया जीव जावे, जीव बिना किया जियो जासी। ओ जीव बिना जिया जियो जावे। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, राम जी को रोको, ये तो जीव है, जीव के बिना क्या कोई जी सकेगा। राम जी जीवन है सबके, नहीं मान रहे। बन को चले दोनों भाई, दोनों भाई इने सन झावनी माई। बन जानकी जी के संग रथारूढ़ होकर चलने लगे। अवधवासी पीछे लग गए, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। राम जी ने कहा वापिस जाओ,
क्या करोगे हमारे साथ रहकर? आपकी आज्ञा का पालन, श्री राम जी बोले तो हमारी यही आज्ञा है, अवध में रहो। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करके अवध में ही रहेंगे, पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अयोध्या तो पीछे छूट गई, लोग बोले लोगों की दृष्टि में अयोध्या पीछे छूट गई होगी, हमारी अयोध्या तो आगे आगे जा रही है। अवध तहां ही जहां राम निवास हो। भगवान विवश हो गए, एक जगह रथ रुका, संध्या हो गई थी, लोग आसपास सो गए कि रथ हिलेगा डुलेगा तो पता चलेगा, पर सो गए। राम जी ने सुमंत जी से कहा कि यही अवसर अच्छा है, खोज मार रथ हां कहता था। रथ ले जाया गया, लोगों को पता भी नहीं लगा। लक्ष्मण जी को लगा कि अरे इन विचारों ने तो श्री राम जी को नहीं छोड़ा, श्री राम जी ने छोड़कर जा रहे हैं, एक भूल हो गई, क्या ये सो गए? इसका अर्थ है कि जो सो जाता है भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की, मैं जब तक श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो भगवान मुझे भी ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। सवेरा हुआ, लोग जागे, राम जी के विरह में दुखी लौटकर अयोध्या आ गए, अवधि की आशा पर जीवित रहते हैं। भगवान श्रृंगवेरपुर में पधारे, गंगा जी किनारे रुके, निखात राज को पता लगा, आए। राम जी को वनवासी वेश में देखकर, सीता मैया को देखकर लक्ष्मण भैया रोने लगे। लेकिन प्रभु एक बात है, लोग कहते हैं आपका राज्य चला गया, मैं कहता नहीं गया, यहां भी राज्य है। देव धरणि धन धाम तुम्हारा, आपका ही है, अब कृपा करिए पुरधारिए पाओ। भगवान ने कहा जब हमारा है तो जाने की जरूरत? निखात राज बोले जाने की जरूरत है, क्यों? अभी तक लोग मुझे वहां का राजा समझते हैं, आप जाएंगे तो असलियत पता लग जाएगी कि राजा आप हैं। भगवान ने कहा तो तुम्हें जो पद मिला था उसकी भ्रांति बनी ही रहने दो, राजा तो समझे लोग, और मैं जाऊंगा तो तुम राजा नहीं रहोगे। हां राजा तो नहीं रहूंगा, लेकिन उससे भी बड़ा पद मिल जाएगा। कौन सा? लोग यही तो कहेंगे कि ये राजा तो नहीं है, पर अब की बार जो आए हैं इन भगवान के ये सेवक हैं, तो मुझे सेवक का पद मिल जाएगा आपके जाने से। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।